हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए क्लास 10th इंग्लिश के ऑफिशियल मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, इस वर्ष इंग्लिश में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 क्वेश्चन का आपको सही से जवाब देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर। गाइस, सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा और इसी सेक्शन में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन का आपको सही से जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोनी मॉरिसन इज द ऑथर ऑफ। आपको बताना है कि टोनी मॉरिसन किस पाठ के लेखक हैं। योर ऑप्शन इज लिट इट गर्ल्स वाइजर देन अ मैन, नेक्स्ट ऑप्शन है वंस अपॉन ए टाइम, अगला है गिल्लू और अगला ऑप्शन दिया गया है द पेज फॉर लिविंग। तो आपका आंसर होगा वंस अपॉन ए टाइम। टोनी मॉरिसन इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन डैश। योर ऑप्शन इज इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडिया। सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड ओमैन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम, ओल्ड ओमैन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम, यानी आपको बताना है कि यह लाइन जो है किस पार्ट से लिया गया है। योर ऑप्शन इज वंस अपॉन ए टाइम, मी एंड द इकोलॉजिट, गिल्लू, द पेज फॉर लिविंग। हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम वंस अपॉन ए टाइम। इसी चैप्टर से यह लाइन लिया गया है, वंस अपॉन ए टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डैश। हियर ऑप्शन इज अ लिविंग, वेल्थ, रेस्पेक्ट, एमेनिटीज ऑफ लाइफ। हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अ लिविंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट साइनिफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम। डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट साइनिफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम। योर ऑप्शन इज पेंटिंग, कंपटीशंस, एग्रीकल्चर, सिनेमा। हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिनेमा। सिनेमा हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट साइनिफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ आवर टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ बर्मा सेक्रीफाइड एवरीथिंग्स इन द परस्यूट ऑफ ए डैश वर्मा। पीपल ऑफ वर्मा सेक्रीफाइड एवरीथिंग इन द परस्यूट ऑफ ए डैश वर्मा। योर ऑप्शन इज हैप्पी, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, मोनार्च। हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। ऑप्शन इज माइथ, कॉरेज, विटैलिटी, लॉजिक। हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉरेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस। योर ऑप्शन इज आर्ट, लॉजिक, टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंट। हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टेक्नोलॉजी। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय। द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय। आपको बताना है कि यह जो भाषण है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा दिया गया है। आपका ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, लियो टॉल्स्टॉय, आंग सांग सू की, हुमायूं कबीर। हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंग सांग सू की। यह जो भाषण है आंग सांग सू की के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश। वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज डैश। हियर ऑप्शन इज मैनी रिलीजियस, मैनी लैंग्वेजेस, वेरियस फेस्टिवल्स,
नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, योर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल इज वन अपन ए टाइम ऑफर्स ब्रेड इन पीसेज ऑफ डैश, द गर्ल इन वंस अपन ए टाइम ऑफर्स ब्रेड इन पीसेज ऑफ डैश, योर ऑप्शन इज चिकन, फ्रूट्स, चीज, मीट. हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मीट. सी ऑफर्ड मीट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट्स एरीज एरीज इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज, अगेन क्वेश्चन प्लीज लिसन केयरफुली. एरीज इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबेल पीस प्राइज एपिटोमाइज द आइडिया ऑफ डैश, योर ऑप्शन इज डेमोक्रेसी, ह्यूमनिज्म, ऑटोक्रेसी, पीस. हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, योर ऑप्शन इज फैमिली, ऑफिस, स्कूल, सोसाइटी. हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टोल्ड द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर देन देम, हु टोल्ड द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर देन देम, योर ऑप्शन इज ए पासर बाई, नेवर्स, अकुलियाज ग्रैंड मदर, मलासा ग्रैंड फादर. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पासर बाय, ए पासर बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट दे इनक्लिप्स डैश इज फ्रॉम, योर ऑप्शन इज पोलिथीन बैग, गॉड मेड द कंट्री, थीनर देन ए क्रेसेंट्स, द एम्प्टी हार्ट. हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट इन ओड टू सॉलिट्यूड वांट टू लीव ऑन सीन एंड डैश, द पोएट इन वन ओड टू सॉलिट्यूड वांट्स टू लीव ऑन सीन एंड डैश, योर ऑप्शन इज अननोन, क्वाइटली, अनहर्ड, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पीसफुली. हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अननोन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन द पोलथीन बैग डज नॉट गेट डैश, द पोलथीन बैग डज नॉट गेट डैश, हियर ऑप्शन इज डिकम्पोज्ड, डिजॉल्व्स, स्वाइल्ड, सुलिड्स. हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिजॉल्व्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट यू आस्क हर वन थिंग्स सी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम, यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? योर ऑप्शन है पोलिथीन बैग्स, कॉयल, द एम्प्टी हार्ट, थिनर देन द क्रेसेंट्स. हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थिनर देन अ क्रेसेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम, योर ऑप्शन इज कॉयल, ओड ऑन सोलिट्यूड, द एम्प्टी हार्ट, गॉड मेड द कंट्री. हियर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कॉयल. नेक्स्ट द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज he wanted to earn more dash, the rich man left home because he wanted to earn more dash, here option is knowledge, respect, money, gold. Here option number c is the right answer, money, c is the right answer. Next question is the children used to listen to Martha lying on their dash, the children used to listen to Martha lying on their desk, your option is elbows, hands, bed, backs. Here option number A is the right answer, elbows, option number A is the right answer. Next question is the green garden dash the quail's heart, the green garden dash the quail hearts, option tease, cheese, teases, mocks, ya burn. Here option number D is the right answer, burns,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हॉट ईयर्स कार्व ए रिवर डैश हु इज हॉर्ड दैट द पोएट इज रेफरिंग टू. हॉट ईयर्स कार्व ए रिवर डैश हु इज हॉर्ड दैट द पोएट इज रेफरिंग टू. योर ऑप्शन इज मीरा, राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी. हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राधा. हेयर हर यूज फॉर द राधा, यहाँ हर का प्रयोग राधा के लिए किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लंतमिजा, लंतमिजा हैज बीन रिटन बाय. योर ऑप्शन इज पेरियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलंतमिजा हैज बीन रिटन बाय डैश प्रियजमी थुरान, दुर्गा प्रसाद पांडा, विद्यापति, पुराण सिंह. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रियजमी थुरान. हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ मैंगो ब्लोज फायर मी ऑल द मोर इज फ्रॉम डैश. द साइट ऑफ मैंगो blows fire me all the more is from dash. Your answer is, your option is the empty heart, ode on solitude, quail, Martha. Here option number C is the right answer, quail. Next question, Yugwani was eaten by, Yugwani was eaten by. Your option is Puran Singh, Pariyasmi Thuran, Alexander Pope, Lakshmi Prasad Devkota. Here option number is right answer, Puran Singh. Puran Singh. Next question is quality is about the quality of dash. Here option boots, chicken, sweets, fruits. Here option number A is right answer, boots. Option number A is the right answer. Next question is the cook in the story Sun and Moon is dash. The cook in the story Sun and Moon is dash. Here option is Sun, Mine, Moon, Flooring. Here option number D is the right answer, Flooring. Option number D is the right answer. Next question is The narrator in Love Defield realized that he was not dash enough to become an IAS officer. The narrator in Love Defield realized that he was not dash enough to become an IAS officer. Here option is intelligent, determined-minded, hardworking, strong. Here option number A is the right answer, intelligent. Option number A is the right answer. Next question, in the bed, the prisoners in the bed, the prisoners read only dash after the 10th years. In the bed, the prisoners read only dash after the 10th year. Your option is Shakespeare's, Eliot, Gita, the New Testament. Here option number B is the right answer, Eliot. Next question is, the drawing room in Sun and Moon was full of dash. The drawing room in Sun and Moon was full of dash. Here option servants, guest, laborers, priest. Here option number B is the right answer, guest. Next question, the doubter in Two Horizons feels a huge dash inside. Here option is happiness, a storm, emptiness, burden. Here option number C is the right answer, emptiness. Next question, moons shoes were dash in color, black, brown, gray, white. Here option number D is the right answer, white. Moon shoes were white in color. Next question, the mother wants her daughter to seek dash within herself, solace, fulfillment, peace, happiness. Here option number A is the right answer, solace. Next question, making shoes
अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर इज ए एन डैश. ऑप्शन इज आर्ट स्किल प्रोफेशन परफॉर्मेंस. हियर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द डैश. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वेयर डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द डैश. योर ऑप्शन इज डॉक्टर लॉयर कैशियर टीचर. हियर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लॉयर. नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग्स. यू हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम 37 to 40. पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक हिज स्टिक. पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक. आपको कैन ही ब्रेक दिस स्टिक का पैसिव वॉइस बनाना है. तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम. कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम. ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा. ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस ऑफ आई वॉज सक्ट एट दिस न्यूज. आपको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है आई वॉज सक्ट एट दिस न्यूज. तो आपका आंसर हो जाएगा दिस न्यूज सक्ट मी. दिस न्यूज सक्ट मी. ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दिस न्यूज सक्ट मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ एवरीथिंग्स नोज मी. एवरीथिंग एवरीबडी नोज मी. एवरीबडी नोज मी. तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई एम नॉन बाई एवरीबडी. आई एम नॉन बाई एवरीबडी. ऑप्शन नंबर बी आपका सही है आई एम नॉन बाई एवरीबडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्पफुल. एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्पफुल. ऑप्शन है नीडी मस्ट बी हेल्पफुल. वी शुड हेल्प द नीडी. हेल्प द नीडी. वन मे हेल्प द नीडी. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेल्प द नीडी. हेल्प द नीडी. ऑप्शन नंबर सी आपका सही है. ठीक है, 41 से 44 तक के लिए डायरेक्शन दिया गया है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है नरेशन में. वहीं यहाँ डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ठीक है, पढ़ा दिया है ही सैड यू आर ए ग्रेटफुल. ही सैड यू आर ए ग्रेटफुल. इसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट फॉर्म. ही सैड यू आर ए ग्रेटफुल. तो आपका आंसर हो जाएगा ही सैड दैट ही वॉज अ ग्रेटफुल. ऑप्शन बी सही है. ही सैड दैट ही वॉज अ ग्रेटफुल. ऑप्शन बी आपका सही है. नेक्स्ट ही सैड टू मी द मैन विल कम टूमोरो. ही सैड टू मी द मैन विल कम टूमोरो. तो हो जाएगा इसका अंत ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे. ऑप्शन नंबर सी आपका सही है. ही टोल्ड द मैन टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे. ऑप्शन सी आपका सही है. नेक्स्ट रीता सैड टू मी प्लीज हेल्प मी. रीता सैड टू मी प्लीज हेल्प मी. इसका आपको क्या करना है इनडायरेक्ट बनाना है. तो आंसर हो जाएगा रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. ऑप्शन डी सही है. रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर. नेक्स्ट है ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो आपका आंसर हो जाएगा ही टेल्स मी दैट. ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड. ऑप्शन ए आपका सही है आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड. नेक्स्ट है डायरेक्शन दिया 45 से 48 के लिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. वर्ब का सही रूप बताना है आपको. आई डैश इन द मॉर्निंग. आई डैश इन द मॉर्निंग. ऑप्शन है वॉक वॉक्स वॉकिंग वॉक्ड. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉक. आई वॉक इन द मॉर्निंग. यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाया गया है. नेक्स्ट है ही नेवर डैश अ लाई. ही नेवर डैश अ लाई. यहाँ ऑप्शन दिया गया टेलिंग हैव होल्ड विल टेल टेल्स. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही नेवर टेल्स अ लाई. टेल्स अ लाई. ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा. अगला है आई डैश दिस प्लेस बिफोर ही कॉम्स. ऑप्शन है विल लिव लिविंग लेफ्ट लिव. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल लिव. आई विल लिव दिस प्लेस बिफोर ही कॉम्स. ऑप्शन ए सही है. अगला ही इज डैश टू बाई अ फ्लैट. ऑप्शन है वेंट गोइंग गॉन गो. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इज गोइंग टू बाई अ फ्लैट. ऑप्शन बी आपका सही है. ठीक है, अगला
डायरेक्शन दिया गया है 59 से 52 तक, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। क्वेश्चन है कॉम एंड सिट डैश मी, कॉम एंड सिट डैश मी, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं विथ फॉर एट एंड बाय, तो मेरे साथ बैठना है तो क्या होगा विथ कॉम एंड सिट विथ मी, कॉम एंड सिट विथ मी, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला है ही इज बेंट डैश टेकिंग रिवेंज, ऑप्शन है टू ऑन फॉर या थ्रू, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर टेकिंग, बिफोर लगाया तो फॉर यहाँ होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ही प्रोहिबिटेड डैश गोइंग टू मूवी, ही प्रोहिबिटेड मी डैश गोइंग टू मूवी, ऑप्शन एट बाय फ्रॉम इन, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम गोइंग टू मूवी। नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज की डैश सक्सेस, ऑप्शन है ऑफ टू फ्रॉम एंड फॉर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर डायरेक्शन दिएगा 53 से 56 के लिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स, आपको सही वर्ड चुनना है। ऑप्शन दिया गया प्रोग्रेस, यहाँ प्रोग्रेस का वर्ड दिया गया है तो आप याद कर जाएं, प्रोग्रेस का वर्ड होता है पी आर ओ जी आर ई डबल एस, पी आर ओ जी आर ई डबल एस, प्रोग्रेस तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ड आप याद कर लेंगे अच्छा है। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी का सही स्पेलिंग बताना है, ओ डबल पी आर टी एन, ऑप्शन ए देख लीजिए ये सही है, अपॉर्चुनिटी होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला दिया है एडेप्टेड अडॉप्टेड, तो आपका हो जाएगा ए डी ए पी टी ए डी होता है, ऑप्शन सी देखिए ए डी ए पी टी ए डी अडॉप्टेड, ए डी ए पी टी ए डी। ठीक है, अगला है सिंपैथी, सिंपैथी का सही वर्ड आपको बताना है, तो सिंपैथी का सही वर्ड होगा एस वाई एम पी ए टी एच वाई, ऑप्शन डी देखिए एस वाई एम पी ए टी एच वाई, सिंपैथी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला आपको क्या करना है सुटेबल ट्रांसलेशन बनाना है, ऑप्शन देगा दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, तो इसका आंसर क्या होगा शट द डोर, शट द डोर, ऑप्शन ए सही है, दरवाज़ा बंद करो शट द डोर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है रोगी को बचाया नहीं जा सकता, रोगी को बचाया नहीं जा सकता, यानी द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, ऑप्शन बी देखिए द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड। नेक्स्ट सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, अर्थात बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर ट्रीज, ऑप्शन ए सही है, बोथ साइड्स ऑफ द रोड वेयर ट्रीज, ऑप्शन ए सही है। अगला हम लोग मैच जीत सकते हैं, हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग मैच जीत सकते हैं, वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, ऑप्शन ए कर्न मार्चेंट, द ऑथर नीफ्यू ऑफ कर्न मार्चेंट, वाइफ ऑफ कर्न मार्चेंट, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द ऑथर डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वेयर वॉज मिसेज ग्रीन्स फीलिंग न्यूज पेपर, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इन द फ्लावर पोट, इन द फ्लावर पोट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विच ट्राइव डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द पेस फॉर लिविंग, हेयर ऑप्शन इज फास्ट थिंकर, स्टडी थिंकर, स्लो थिंकर, लेजी थिंकर, हेयर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्लो थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम इन द मी एंड द इक्लोज बीट, हेयर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कंपोस्ट एस्टिंग्स इन द होल स्टेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वुड डिड द स्क्वायरल हैव इन गिलो, वन फाइव टू और सेवन, हेयर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टू वुड्स। चलिए गाइज आज हम लोग इतना ही रन देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इतना ही क्वेश्चन को पहले याद करें, इसके बाद मैं अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों को बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।